To stay updated with all the latest real estate news, subscribe to our channel and press the bell icon. मखदूश इमारतों की फहरिस्त हुकूमत सिंध के पास है, खारी कराना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि मखदूश इमारतों को खाली कराना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और इन इमारतों की फहरिस्त हुकूमत सिंध के पास मौजूद है, उन्हें फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए वरना कराची में इस तरह की इमारतें गिरती रहेंगी और लोग जाँ बहक होते रहेंगे। ये बात उन्होंने अपने एक बयान में कही। मेयर ने लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत के मुनहदिम होने पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा है कि सूबाई डिजास्टर के महकमे को फौरी तौर पर वहां भारी मशीनरी भेजनी चाहिए थी ताकि मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा सकता, लेकिन वही रिवायती तरीकाकार इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि कराची को लावारिस किया जा रहा है और कराची के मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू को मुतासिर मुकाम पर रवाना कर दिया गया था, जिन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी और मेहनत का सबूत देते हुए कई जख्मियों को मलबे से निकाला। अगर मखदूश इमारतों के खाली करवाने के सिलसिले में ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई गई तो मजीद ऐसे सानहात जन्म लेते रहेंगे। मेयर कराची ने कहा है कि ओल्ड सिटी एरिया, लाइंस एरिया, सदर, बंस रोड, किमाड़ी गार्डन, गार्डन ईस्ट, जहांगीराबाद और दीगर इलाकों में सैकड़ों इमारतें मखदूश हो चुकी है। कई बार उनका सर्वे कराया गया और मकीनों को एक नोटिस देकर जिम्मेदारी से जान छुड़ाने की कोशिशें की जाती रही है। मेयर कराची ने कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 100-100 गज के प्लॉट पर जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग बनाने की एनओसी जारी की है वो भी इंतहाई तश्वीशनाक अमल है और इस सूरत हाल का भी फौरी नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कराची पहले ही कई मसाइल का शिकार था और अब आए दिन इमारत गिरने से शहरियों की कीमती जानों और इमलाक का जो नुकसान हो रहा है, उन्होंने इमारत गिरने में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहकीन से दिली ताजियत का इजहार किया।